नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्लैट के बारे में बताया था कि फ्लैट खरीदते समय आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो फ्लैट की एंट्रेंस किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें, क्योंकि आप अपना नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आप उस फ्लैट के अंदर अपने जीवन की जमा पूंजी लगाने जा रहे हैं, और एक डिसीजन गलत हो जाए तो लाइफ सारी ही स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं वो नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें एंट्रेंस कहाँ पर होनी चाहिए। नॉर्थ सेंटर में आपकी एंट्रेंस आती है तो ये एंट्रेंस आपकी ओके है, 100% ओके है। नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक जहाँ पर भी आपकी एंट्रेंस आती है वो एंट्रेंस भी आपकी बिल्कुल ओके है। जिस फ्लैट के एंट्रेंस नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर इस जोन में एंट्रेंस आती है, ये एंट्रेंस 100% गलत। ऐसे फ्लैट का चुनाव नहीं करना चाहिए। आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं वो वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी है, उसमें आपकी एंट्रेंस कहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप वेस्ट सेंटर की एंट्रेंस ले सकते हैं। यदि वेस्ट सेंटर की एंट्रेंस है तो ऐसे फ्लैट का चुनाव कर सकते हैं। वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट तक इस जोन में यदि एंट्रेंस बनती है तो भी आप ऐसे फ्लैट का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे ही वेस्ट सेंटर से साउथ वेस्ट जोन की ओर इस जोन में आपकी अपनी एंट्रेंस बनती है, ये एंट्रेंस आपकी बिल्कुल गलत है। ऐसे फ्लैट का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एंट्रेंस जब भी होती है तो उस घर में रहने वाले ओनर परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप फ्लैट खरीदें तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस वेस्ट वॉल की नहीं होनी चाहिए। आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं वो साउथ फेसिंग है यानी दक्षिण मुखी है तो उसमें जो एंट्रेंस होनी चाहिए वो साउथ सेंटर की होनी चाहिए। ये एंट्रेंस हमेशा ही अच्छी मानी जाती है। साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक इस जोन में भी एंट्रेंस बनती है तो ये एंट्रेंस भी आपकी अच्छी मानी जाती है। ऐसे फ्लैट का चुनाव आप कर सकते हैं। यदि साउथ में साउथ वेस्ट जोन की ओर आपकी एंट्रेंस बनती है, यहाँ से फ्लैट के अंदर से बाहर की ओर जाते हैं और ये एंट्रेंस आपकी बनती है तो ये एंट्रेंस आपकी 100% गलत है। ऐसे फ्लैट का चुनाव आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आपका फ्लैट ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व मुखी है, जो फ्लैट आप खरीदने जा रहे हैं वो पूर्व मुखी है, ईस्ट फेसिंग है तो उसमें जो एंट्रेंस है वो ईस्ट सेंटर की होती ईस्ट सेंटर की है तो ये एंट्रेंस आपकी 100% ओके है। ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी एंट्रेंस आती है यानी इस जोन में किसी भी भाग में एंट्रेंस आती है तो ये एंट्रेंस आपकी 100% ओके है। ऐसे फ्लैट का आप चुनाव कर सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर यानी साउथ ईस्ट कोने में आपकी एंट्रेंस बनती है तो ये एंट्रेंस आपकी गलत है। यहाँ पर एंट्रेंस आने से उस घर में रहने वालों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, चोरी होने का खतरा भी बना रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं उस फ्लैट की एंट्रेंस हमेशा ही सही दिशा में होनी चाहिए। मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से फ्लैट की एंट्रेंस के बारे में जानकारी दी है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी एंट्रेंस अच्छी है और कौन सी एंट्रेंस खराब है। आपको फ्लैट का चुनाव करते समय
इन खास बातों का जरूर ध्यान रखना है। मेरी वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार तीन बार रिपीट करके ज़रूर देखें, क्योंकि आप जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, बार बार कोई भी फ्लैट ना तो खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। जो फ्लैट आप खरीदने जा रहे हैं उसका चुनाव आप सही तरीके से ज़रूर करें। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप इस प्रकार से अपने फ्लैट का चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट का मैप हमारे यहाँ से बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का लेआउट मैप चेक कराना चाहते हैं, चाहे वो आपका अपना घर है, फ्लैट है, कोठी है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, या आपका अपना ऑफिस है, या आपका अपनी शोरूम है, या आपकी अपनी दुकान है, या आपकी अपनी फैक्ट्री है, जिस भी साइट के बारे में आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इसे मंगवाकर पढ़कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी।